हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आप लोग देखा होगा जो हमारा इस तरीके से ट्यूबलाइट ब्लिंकिंग करता है, आप लोग फेंक देता है। आज इस तरीके से आप लोग को बता दूंगा ये आप घर बैठ के आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस वाला लाइट देख रहे कैसे हमारा भूक कर रहा है, और इस वाला लाइट जो है ये हमारा क्या है, एक साइड में जल रहा है एक साइड में नहीं जल रहा है। आखिर दोनों में हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं आप लोग का सामने में इसको रिपेयरिंग करके बताऊंगा। तो आपको ये जो लाइट ट्यूबलाइट है ये हमारा एलईडी ट्यूबलाइट है जो कि इनपुट सप्लाई है 230 वोल्ट। जैसे कि देख रहे हैं इस वाला जो लाइट है, इस लाइट किस तरीके से हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है, तो इसको आप किस तरीके से सही करेगा, तो आपको पहले जानना पड़ेगा इसका जो ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के अंदर हमारा एक चोक रहता है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक चोक रहता है, और हमारे एलईडी लैंप का एक स्ट्रिप रहता है। जैसा कि मैं आप लोग को देखा दे रहा हूँ, ये हमारा एलईडी ट्यूबलाइट जो है, एलईडी ट्यूबलाइट का अंदर ऐसा वाला एलईडी का एक स्ट्रिप रहता है, यही हमारा जलता है, और उसका अंदर ऐसा वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स का चोक रहता है। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, आपको मार्केट में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चोक जो होता है, आप वाट मतलब 20 वाट का ट्यूबलाइट होगा तो दुकानदार को जाके बोलेगा हमको 20 वाट का इलेक्ट्रॉनिक्स का चोक चाहिए एलईडी ट्यूबलाइट के लिए, तो आपको दुकानदार ऐसा वाला जो चोक है वो आपको दे देगा, और ऐसा वाला आपको 20 वाट वाला आपको ट्यूबलाइट है तो ऐसा वाला बोलेगा, तो लैंप का हिसाब करके आपको ऐसा वाला स्ट्रिप दे देगा। तो ये घर बैठ के आप आसानी से इसको चेंज कर सकता है। तो पहले मैं आप लोग को ये जो हमारा जो लाइट है, ये जैसा हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है, इस वाला लाइट हम पहले रिपेयरिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ ये किस तरीके से आपको रिपेयरिंग करना है। दोस्तों अभी मैं पावर सप्लाई बंद कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पीछे में हमारा एक कैप रहता है, जैसे कि आप लोग देख रहे ये वाला जो कैप है, इस वाला कैप को आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको आप टेस्टर की मदद से ऐसा प्रेस करेगा तो इस वाला जो हमारा कैप है ये हमारा इधर से निकल जाएगा, जैसा इस तरीके से हमारा निकल गया। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से जो हमारा इनपुट सप्लाई देने के लिए जो वायर आया है तो उसको आपको अंदर का तरफ डाल देना पड़ेगा। उसका पहले ये जो हमारा रबड़ है इसको आप निकल देने का, जैसा इस वाला रबड़ को हम निकल दिया तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाला जो वायर है इसको आराम से बाहर का तरफ आराम से ऐसा करके खींचना पड़ेगा, तो आपका जो चोक है वो आपका बाहर आ जाएगा। तो मैं अभी खोल के आप लोग का सामने भी देखा रहा हूँ इसका अंदर क्या हुआ, आखिर हमको पता नहीं है, अभी खोलेगा तो हमको पता चलेगा इसके अंदर क्या हुआ। तो जैसा कि मैं जो चोक निकाला है तो मेरा सामने में अभी दिखाई दे रहा है, ये चोक का इस साइड में हमारा ब्लैक कलर का हो गया, मतलब हमको लग रहा है ये वाला जो हमारा चोक है यही हमारा खराब हो गया। तो मैं पहले इसका जो एलईडी ट्यूबलाइट है इसको आप इस तरह से बाहर खींचेगा तो ये पूरा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो एलईडी जो हमारा लैंप का स्ट्रिप है ये हमारा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अभी अंदर रहने देता हूँ। उसका पहले इसका जो चोक है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा इधर खराब हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अभी क्या, मैं आप लोग को बताया था दुकान पे आपको स्पेयर में ऐसा वाला चोक मिलता है, तो इसीलिए मैं मार्केट से ऐसा वाला एक चोक खरीद करके लेके आया, सेम वाट का मतलब 20 वाट का हमारा ट्यूबलाइट है, तो उसी तरीके से मैं एक चोक खरीद करके लेके आया हूँ। तो इस चोक को हम डायरेक्ट इसका साथ सोल्डिंग कर देगा, मतलब इस वाला जो हमारा ये लैंप पे कनेक्शन होने के लिए, और इस साइड वाला जो है ये हमारा क्या लाइन वोल्टेज कनेक्शन होगा, मतलब इनपुट सप्लाई कनेक्शन होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस पे हमारा थोड़ा सा वायर कनेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ सोल्डिंग करने से पहले, मेरे को इसमें सोल्डिंग नहीं करेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो हम इधर से जो है इधर से हम वायर काट कर देता हूँ। तो इधर से हम दोनों वायर को ऐसा करके काट कर दिया। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपको देख लेना पड़ेगा ये जो आपका ब्लैक कलर का वायर, आपको ये जो चोक है इसमें ब्लैक में लगाना है, मतलब रेड कलर का वायर है इसको रेड कलर के साथ लगाना है। पहले मैं दो वायर को काट लेता हूँ, तो अभी दो वायर को मैं थोड़ा सा करके छील लेता हूँ। तो अभी ये जो चोक है इसमें हमारा जो रेड कलर का वायर है इसको हम दोनों को ऐसा कर दोनों को ज्वाइन कर दे रहा हूं। अभी इस दोनों को भी ऐसा करके मैं ज्वाइन कर दिया, तो अच्छा से आपको ज्वाइन कर देना पड़ेगा। उसका बाद आपको जो हमारा इंसुलेशन टेप आता है इसको आपको प्रॉपरली इसका ऊपर लगा देना पड़ेगा। तो अभी हमारा इस वाला जो है लाइट का हमारा चोक जो है इस तरीके से बदल है। आपका 5 मिनट का काम है, इसका स्पेयर पार्ट आपको मार्केट में मिलना है तो आपको लाइट को फेंकना नहीं है, तो इसी तरीके से आप चेंज कर देने का। उस तरीके से इसका ये जो होल है इसका अंदर से आपको इस वाला वायर निकालना है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको एक बार ऑन करके देख लेता हूँ हमारा जो लाइट है प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी हमारा जो लाइट है वो हमारा प्रॉपरली
जल रहा है, थोड़ा से भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो मैं आगे आप लोग को इसको अंदर जो है ये चोक को अंदर डाल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका अंदर कैसे हमारा वायर निकलता है। इस वाला जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं इधर से हमारा वायर निकालना पड़ता है, तो इसको हम ये चोक को हमको अंदर डालना है। तो मैं अंदर डाल के आप लोग को बता रहा हूँ ये किस तरह के जानना है, मतलब इस वाला जो लाइट है ये आसानी से कैसे रिपेयर होगा आप लोग देख सकता है। तो इस तरीके से आपको एलईडी ट्यूबलाइट जो होता है उसको आप रिपेयरिंग घर पे कर सकता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा पतला वाला आपको एक वायर लेना पड़ेगा, तो जीआई का वायर होगा तो अच्छा होगा। तो आपको पतला वाला वायर इस तरीके से इसका अंदर ऐसा करके डाल देना पड़ेगा। तो ऐसा डाल देगा तो वायर जो है वो हमारा इधर हमारा निकल जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, इस वाला जो वायर है दोनों वायर को इसके साथ ऐसा करके पैच मार देने का, हम जैसा पैच दे रहा हूँ ऐसा करके आप पैच देने का, बाद में इसको अंदर की तरफ ऐसा करके डालने का। तो आराम से थोड़ा इसको अंदर की तरफ डाल देने का, जैसा मैं इसको अंदर कर रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हैं। और इस वाला वायर जो हम अंदर डाला था उसको आपको आराम से थोड़ा अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा, करके खींचेगा देख रहे हैं हमारा वायर किस तरीके से हमारा प्रॉपरली अंदर चला गया। तो आपको थोड़ा अंदर ऐसा करके खींच लेना पड़ेगा, बाद में आपका वायर जो है इधर आ जाएगा। तो आपको ये टेस्टर है, टेस्टर का मदद से इसको आपको बाहर का तरफ ऐसा करके खींचना पड़ेगा, देख रहे ऐसा आप खींचेगा तो आपका वायर जो है आसानी से आपका बाहर आ जाएगा। देख रहे किस तरीके से हमारा बाहर आ गया। तो इस वाला आप टेक्निक यूज करके वायर को आप ऐसा अंदर रिपेयरिंग करने के बाद आप बाहर ले सकते हैं। उसके बाद इसका जो राबर था वो राबर में लगा लेता हूं, देख रहे अभी हमारा पूरी तरीके से लाइट जो है अंदर से वायर आ गया, ये पूरा प्रॉपरली रिपेयर होंगे। एक कैप जो मैं खोला था इसको हम बंद कर देता हूं। तो अभी हमारा फुल्ली लाइट जो है रेडी हो गया, अभी मैं इसको ऑन करके आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आपका ट्यूबलाइट खराब हो जाएगा तो आपको फेंकना नहीं है, घर पे आप आसानी से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके से अलग अलग वीडियो लेके आता हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही था, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।